सो गाइज वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। और आज मेरे साथ फिर से हैं अमन भाई। और आज हम लोग कुछ बड़ा ही स्पेशल करने वाले हैं। तो स्पेशल ये करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों की मेरे से एक रिक्वेस्ट आ रही थी, डिमांड आ रही थी कि क्यों ना एक बार वाइब्रेशन, जैसा कि लोग कहते हैं कि क्लासिक में बहुत ज़्यादा है और मीटियोर बहुत ही रिफाइंड इंजन है, तो इसको बताओ कि इसके वाइब्रेशन एक्चुअली में ज़्यादा हैं कि कम है। तो आज हम इसको करने के लिए आए हैं। सो गाइज प्लीज़ से ट्यून्ड। हम अभी आपको दिखाते हैं कि इन दोनों गाड़ियों के वाइब्रेशंस में कितना फर्क है। तब तक आप देखिए कुछ सिनेमैटिक्स। सो गाइज ये है मेरी रॉकी और ये है अमन जी की मीटियोर 350। तो अब आओ, पहले तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज कि हम लोग ये वाइब्रेशन टेस्ट कैसे करने वाले हैं। तो हम इसमें कोई भी कन्वेंशनल मेथड यूज़ नहीं करेंगे, जैसे आपने देखे होंगे यूट्यूब पे कि एक पानी का गिलास रखते हैं और फिर वो गिलास हिलता है, डांस करता है। तो गाइज ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा। तो मैं आपको यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे प्योरली टेक्नोलॉजी। तो गाइज हमारे पास एक ऐप है जिसका नाम है वाइब्रोमीटर। तो इस वाइब्रोमीटर ऐप की ये खासियत है कि ये आपको कभी भी किसी भी जगह पे कोई भी जो वाइब्रेशन है वो बताता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय इसमें वाइब्रेशन है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस ऐप को रख कर के कि ये बिल्कुल भी इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। तो गाइज़ ये देखिए मैंने इसको गाड़ी के ऊपर रख दिया है और अब इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन गाड़ी में इस समय नहीं है। तो अमन जी आप ज़रा प्लीज़ गाड़ी स्टार्ट करेंगे। सो गाइज अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वाइब्रेशन की रेंज है वो 5.4 से लेकर के और 6. समथिंग तक जा रही है। तो ये एक वेरिएबल रेंज है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इस समय 5. से 6.7 तक जा रही है, जो कि अगर आप मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे लिख कर के आ रहा है स्ट्रॉन्ग हैवी फर्नीचर मूव, यानी कि इसके वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आइए अब हम चलते हैं मीटियोर की तरफ और देखते हैं कि मीटियोर के वाइब्रेशंस कैसे हैं। सो अगेन गाइज आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर जब हमने मीटियोर के ऊपर रखा है तो ये देखिए गाड़ी के वाइब्रेशंस ज़ीरो हैं। और ये देखिए अब हम मीटियोर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो अब आप देखिए मीटियोर के वाइब्रेशंस कहाँ आते हैं। सो गाइज दिस इज डेफिनेटली अ मोर रिफाइंड इंजन फ्रॉम वाइब्रेशंस रेंजिंग फ्रॉम 1.8 टू 2.4 2.5, यानी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग मीटियोर के वाइब्रेशंस क्लासिक के मुकाबले में आधे हैं। तो गाइज डेफिनेटली इसका जो इंजन है इसकी रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है जो कि रॉयल एनफील्ड ने दी है मार्केट में। और अमन जी कुछ आप कहना चाहेंगे मीटियोर के बारे में। ये इंजन दोनों ही 350 है, बट मीटियोर का इंजन नया है, इट्स ब्रांड न्यू सेगमेंट, ब्रांड न्यू इंजन डेवलप्ड बाय रॉयल एनफील्ड, विच इज़ मोर रिफाइंड, जैसे कि हमने अभी देखा वाइब्रेशंस नहीं है इसमें, और पावर डिलीवरी अच्छी है, स्मूथ है इंजन, बट जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो उतनी ही है, उतनी उसकी है उतनी ही इसकी है। तो सर्विस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली दोनों गाड़ियों सेम है, सेम है,
बेटर टेक्नोलॉजी के साथ भी रॉयल एनफील्ड आपको वही सर्विस कॉस्ट में आपको बाइक ऑफर कर रहा है। सो गाइज, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड इनपुट दैट वी हैव गॉट, दैट इन द सेम कॉस्ट वी आर गेटिंग अ बेटर ऑप्शन एज वेल हियर। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लासिक बुरी है, मीटियोर अच्छी है, या मीटियोर अच्छी है, क्लासिक बुरी है, बट अपनी अपनी चॉइसेस हैं। सो विद दिस नोट आई एंड दिस वीडियो हियर। बहुत जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए सेगमेंट के साथ। सो दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर ब्लॉक्स। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।